हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज बनाएंगे काले वाले चने। जिसे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चनों को 6 घंटे पानी में भिगा के रखा था। पानी निकाल लिया है, अब इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे। पानी डाल लेंगे, पूरे चने डूबने चाहिए, इतना पानी डालना है। नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार। कुकर का ढक्कन लगा लेंगे। अब इसे 3 से 4 सीटी लगाएंगे धीमी आंच पर। सीटी लग गई हैं, अब ढक्कन निकाल लेंगे इसका। चने पक गए हैं। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। 1 चम्मच तेल डालेंगे, इसे गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें आधी चम्मच जीरा डालेंगे, एक तेज पत्ता डालेंगे, सूखी लाल मिर्च डाल लेंगे, इलायची डाल लेंगे, दालचीनी डालेंगे, लौंग डालेंगे। अब इसे थोड़ा चला लेंगे। उसके बाद इसमें एक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को चलाते हुए भून लेना है। जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक इसे हम भून लेंगे चलाते हुए। काले वाले चने बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में और पौष्टिक भी होते हैं। प्याज को अच्छे तरीके से भूनना है। प्याज भुन गया है, अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये। अब इसे भी चलाते हुए भून लेंगे 1 मिनट के लिए। जब तक अच्छी तरह ना पक जाए तब तक इसे भूनना है। सारा भून गया है, अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच। सारे मसालों को चलाते हुए भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे, एक टमाटर है ये जिसे मैंने पिसा हुआ है, और 2 हरी मिर्च है जिसे काट के डालेंगे। चलाते हुए पका लेंगे। मसाले को बहुत अच्छी तरह पकाना है। अब इसे 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब चेक करेंगे, हमारा मसाला पक गया है। थोड़ा चला लेंगे। मसालों को अच्छी तरीके से पकना चाहिए, तभी अच्छे चने बनेंगे। नमक डाल लेंगे थोड़ा सा। पहले नमक डाला हुआ है, मुझे वो कम लग रहा है इसलिए मैं दोबारा डाल रही हूँ। सारा मसाला मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर और चलाते हुए पका लेंगे। अब इसमें चने ऐड कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप चने बनाएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे आपको। एक बार ट्राई जरूर कीजिए। मिला लेंगे, चला लेंगे थोड़ा, सारा मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा पानी कम लग रहा है, आधी गिलास पानी डाल लेंगे। उसके बाद इसमें ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए पका लेंगे।
2 मिनट हो गए हैं, अब इसे देख चेक करेंगे, खोल लेंगे ढक्कन इसका। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं चने। काले वाले चने बन के तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा धनिया डाल लेंगे कटा हुआ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।